गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे सेलेक्शन रूल, इसको हम ट्रांजिशन रूल भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो डिपेंड करता है वो अलाउड है कि नहीं अलाउड है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर एनर्जी में जाएगा या नहीं जाएगा, ये सेलेक्शन रूल डिसाइड करता है। अगर आपका लोअर एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो मतलब अलाउड है, और अगर नहीं जाता है तो मतलब नॉट अलाउड, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिड है। अब इसके कुछ रूल हैं। फर्स्ट रूल है एनर्जी सिलेक्शन रूल। एनर्जी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, कि जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो फर्स्ट से सेकंड में भी जा सकता है, फर्स्ट से सेकंड थर्ड में भी जा सकता है, फर्स्ट से फोर्थ में भी जा सकता है, और फर्स्ट से फिफ्थ में भी जा सकता है, फर्स्ट से सिक्स में भी जा सकता है, और फर्स्ट से सेवन्थ में भी जा सकता है। तो एनर्जी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है। ये सभी क्या होते हैं, आपके अलाउड ट्रांजिशन। ये आपका डेल्टा एन से डिनोट करेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, लोअर टू हायर हो सकता है, मतलब वन से टू हो सकता है या फिर टू से वन हो सकता है, वन से थ्री हो सकता है या फिर थ्री से वन हो सकता है, वन से फोर हो सकता है या फिर फोर से वन हो सकता है, मतलब लोअर टू हायर हो सकता है या फिर हायर टू लोअर हो सकता है। तो यहाँ पे डेल्टा एन की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वो जा भी रहा वापस भी आ रहा, तो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, कुछ भी हो, ये हो सकता है। अब आइए सेकेंड रूल। सेकेंड को बोलते हैं हम लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस वन, तभी ये अलाउड होगा। आइए देखते हैं किस तरह। जैसे ये हमारा एटम है, ये एटम के सराउंडिंग हमने क्या ड्रॉ कर दिए हैं, एनर्जी लेवल, और जिसके अंदर ऑर्बिटल्स है। फर्स्ट में एस होता है, सेकंड में एस पी होता है, थर्ड में एस पी डी होता है, और फोर्थ में एस पी डी और एफ होता है। मतलब लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जो होता है वो बताता है कि किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये डिसाइड करता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस ऑर्बिटल से पी में जाएंगे या एस ऑर्बिटल से एस में जाएंगे, पी ऑर्बिटल से डी में जाएंगे या पी ऑर्बिटल से एफ में जाएंगे, ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल डिसाइड करता है। तो ये जो बोलता है इसके अकॉर्डिंग एस से जो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल से पी में जाने चाहिए, पी से डी में जाने चाहिए और डी से एफ में जाने चाहिए। लेकिन तब तो ये जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉनों का वो हमारा अलाउड होगा। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस आना चाहिए ये वन का डिफरेंस आना चाहिए, इन दोनों में भी वन का डिफरेंस आना चाहिए और इन दोनों में भी वन का डिफरेंस आना चाहिए। आपका एस एस पी में जा सकता है, एस का इलेक्ट्रॉन पी में जा सकता है और पी का इलेक्ट्रॉन एस में आ सकता है। ऐसे पी का इलेक्ट्रॉन डी में जा सकता है और डी का इलेक्ट्रॉन पी में आ सकता है, डी का इलेक्ट्रॉन एफ में जा सकता है और एफ का इलेक्ट्रॉन डी में जा सकता है। इसको हम अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे। लेकिन एस का इलेक्ट्रॉन डी में जाए और डी का इलेक्ट्रॉन एस में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये लेबोरेटरी सिलेक्शन रूल था। या फिर पी पी का इलेक्ट्रॉन एफ में जाए या एफ जो है पी में जाए, ऐसा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो जो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है उसको हम फॉरबिडन बोलते हैं। ओके, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग एस एस का ट्रांजिशन नहीं हो सकता, ठीक है, एस का एस में ट्रांजिशन नहीं हो सकता, एस का एफ में ट्रांजिशन नहीं हो सकता, एस का डी में ट्रांजिशन नहीं हो सकता, लेकिन एस और पी में का एक दूसरे में क्या हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। तो ओवरऑल इसको हम देख के कह सकते हैं जीरेट अनजीरेट, जीरेट का ट्रांजिशन अनजीरेट में और जीरेट का ट्रांजिशन अनजीरेट में हो सकता है, लेकिन जीरेट का ट्रांजिशन जीरेट में नहीं हो सकता, ठीक। अब फॉरबिडन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, ये सब तो अलाउड ट्रांजिशन थे। फॉरबिडन की बात करें तो जैसे डी डी ट्रांजिशन, अगर डी का डी में ही ट्रांजिशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन, जहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी तो ट्रांजिशन अलाउड होगा, लेकिन जब डेल्टा एल की वैल्यू जीरो होगी तो ट्रांजिशन अलाउड
नहीं होगा ऐसे, एफ एफ ट्रांजिशन में भी डेल्टा एल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉरबिडन। और जब हमारा ट्रांजिशन फॉरबिडन में होता है तो इंटेंसिटी भी लो होती है और लोअर एब्जॉर्प्शन होता है उसमें। लेकिन अगर हम पी डी मिक्सिंग की बात करें तो इसमें जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होती है, तो इसमें ट्रांजिशन अलाउ थोड़ा बहुत होगा। अब देखते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल, थर्ड रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। ये हमने आपको पढ़ाया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, याद करिए। डेल्टा एस अगर आपका जीरो है तो ट्रांजिशन अलाउड होगा, और ये जो इसके भी कुछ अपने रूल हैं, जो ट्रांजिशन होगा वो सिंगलेट टू सिंगलेट होगा, डुप्लेट टू डुप्लेट होगा, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट होगा। थर्ड रूल है इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम डेल्टा जे से डिनोट करते हैं। डेल्टा जे इज इक्वल टू, अगर जीरो है तो ट्रांजिशन अलाउड होगा, और अगर प्लस माइनस वन है तो भी ट्रांजिशन अलाउड होगा। जैसे एग्जांपल मान लो हमने एक टर्म सिंबल लिखा डी थ्री डी फाइव टू, ऐसे थ्री एफ सेवन टू। ठीक, अब देखो इसमें ये जो है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, देखो सेम सेम है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर सेम सेम है तो क्या होना चाहिए, डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। थ्री माइनस थ्री कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं, तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये अलाउड है। अगर हम फाइव बाई सेवन और फाइव बाई टू और सेवन बाई टू में देखें तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वन का। तो मतलब जे इज इक्वल टू क्या हो सकता है, प्लस माइनस वन हो सकता है, मतलब ये दोनों ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है। ये स्पिन ट्रांजिशन है और ये एंगुलर मोमेंटम ट्रांजिशन है। सिमेट्री सिलेक्शन रूल की बात करें तो सिमेट्री में आपके बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है और नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में आपके क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं और पाई होते हैं। एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार और पाई स्टार होते हैं, और नॉन बॉन्डिंग में आपके एन होते हैं। तो सिमेट्री सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होना चाहिए, और पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन अलाउड होता है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे 2p 1 बाई टू है और यहाँ पे s 2s 1 बाई टू है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देखो डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा एस कितना निकल के आएगा, जीरो। यहाँ से पी में एस और एस में पी, पी का एस में और एस का पी में ट्रांजिशन हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था अभी। कौन सा था, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल था। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों में ट्रांजिशन हो सकता है। अब आ जाओ एंगुलर सिलेक्शन रूल। एंगुलर सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, एंगुलर सिलेक्शन रूल के अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग, देखो वन बाई टू है, ये भी वन बाई टू है, तो इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। तो मतलब सॉरी, इसमें डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये अलाउड है। इसमें देखो इन दोनों को देखेंगे तो जो हमारा डेल्टा एस है वो क्या आ जाएगा, जीरो। पी का डी में ट्रांजिशन हो सकता है, ये भी अलाउड है, लेकिन यहाँ पे वन बाई टू है, यहाँ पे फाइव बाई टू है। अगर इसका डिफरेंस देखा तो वन बाई टू से थ्री बाई टू में कितने का डिफरेंस आ रहा है, वन का, और थ्री बाई टू से फाइव बाई टू में कितने का डिफरेंस आ रहा है, वन। तो टोटल जो जे की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टू, मतलब ये अलाउड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉरबिडन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने लिया जैसे हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं 3s का ट्रांजिशन क्या 3p में हो सकता है, पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, तो डेल्टा एस हमारा कितना आ जाएगा, जीरो। अब एस का पी में ट्रांजिशन होता है, तो एस और पी ये दोनों एक दूसरे में ट्रांजिशन हो सकता है, तो मतलब ये दोनों क्या है, अलाउड है, अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन रूल के बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि टर्म और सिंबल में ट्रांजिशन पर्टिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।